बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 के डेप्रिसिएशन के हम जो है आईकैप की स्टडी टैक्स के अब सवालात जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले हम जो है इसी को कवर कर लें जो हमने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ा था। क्लियर है बेटा? जरा सा इसी के ऊपर बात करते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। और इससे पहले एक और चीज ये जरा कर लो कि जो तुमने डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट में जो अभी एक चेकलिस्ट बनाई थी, जरा आ जाना लिस्ट पर। ये सारी डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हो गई है। एक नेक्स्ट पेज पे जरा से हेडिंग डाल के ये तीन और भी लिख लेना, एक्सपेंसेस विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये एक्सपेंसेस कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं किए जाते। ये सारे एक्सपेंसेस कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट में कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाते। कौन कौन से हैं? रिपेयर कॉस्ट है, 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस एंड मेंटेनेंस, कुछ भी डाल सकता है यार, तीन दस डाला है वो चैप्टर के अंदर जब भी दी हुई है ना एग्जाम्पल में। रिफंडेबल टैक्सेस, मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी देखिए बेटा, लिख लिया परचेज ऑफ अनदर एसेट। चले आगे आते हैं, इस सवाल पे आ जाओ, जल्दी कर लो। रूट टैक्स हो गया, परचेज ऑफ अनदर एसेट हो गया, 12 मंथ वारंटी चार्जेस वगैरह, ये सब कुछ आ गया। आइएगा सवाल पे, पहला पढ़ना है अहमद जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज टेंजेबल नॉन करंट एसेट। कौन सा टेंजेबल नॉन करंट एसेट फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड? बताओ भाई, रेंटल के लिए दिया है तो ये नॉन करंट एसेट है।
रीसेल टू द कस्टमर्स, ये आपके लिए इन्वेंट्री है, सही है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, एसेट्स हैं, यानी कि तीनों के तीनों टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स हैं। सेकंड पढ़ दो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 years, प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रीसेल है, रीसेल पर्पस वाला है, वो तो बेचने के लिए ना। अ बस ऑफ पे कैन ड्रॉप ऑफ द स्टाफ मेंबर है, नॉन करंट एसेट है ना हमारा। अ जनरेटर फॉर द रेंटल टू द अदर्स, 1, 2, 1, 3 and 4, ये डिटरमिनेशन कॉस्ट थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ये इतने ही है, तो तुम्हारा बहुत बड़ा तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट होते हैं, एसेट हेल्ड फॉर सेल्स, वो तो बेचने के लिए है। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ ऑफिस बिल्डिंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय इज, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बिल्डिंग बनाता था, उसने डिसाइड करा है कि हम अपना खुद ऑफिस बिल्डिंग बनाएंगे, तुम्हारा काम है कंस्ट्रक्शन का और तुम अपना ही ऑफिस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अपने ओन स्टाफ से, तो बोल रहा है बताओ विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द hire of plant and machinery for use of the office building site, ye to aayega, additional design work caused by initial design errors, ye bhi aayega, cement, iron, sand, crush bought for construction, ye inventory humne apne use ke liye le li, humne inventory apni use mein le li। आपको प्रोपोर्शन ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये भी नहीं आएगी, जरा देखना इसका आंसर ए और बी है, चेक कीजिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बी एंड एडिशनल डिजाइन वर्क कॉज बाय इनिशियल डिजाइन एरर, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कैन नॉट बी इंक्लूडेड लिखा है ना। हाँ तो ये फर्स्ट वाला यानी ये वाली कॉस्ट तो आएगी, बी एंड डी लिखा है, सीमेंट आयरन वगैरह तो कॉस्ट आएगी ना उसमें लिखा है। ये क्या बोल रहा है, टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर कैन नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द, जो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं लोगे, सीमेंट वगैरह की तो कॉस्ट आएगी ना यार। हाँ कॉन्ट्रैक्टर का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो तो ऐसे ही काम कर देगा ना अपने ऑफिस के लिए, तो उसके तो पैसे नहीं लेगा ना भाई। तुम इलेक्ट्रिशियन हो और तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिक की लाइट कोई खराब हो गई है, तुम खुद अपने आप से पैसे मांगोगे? हाँ हायर ऑफ प्लांट मशीनरी तो लाएगा, बी एंड डी है ना, अच्छे सवाल आते हैं इसके, थोड़ा सा इसके टेक्निकल, इसीलिए मैंने डिस्कस करा है कि अल्फा ट्रेडर लिमिटेड यूज इट्स ओन स्टाफ असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर व्हेन टू कंस्ट्रक्ट फॉर इट्स ओन यूज, अपने ओन यूज के लिए वेयरहाउस आइडेंटिफाई द कॉस्ट लिस्ट बिलो That cannot be, मतलब वही के जो नहीं ऐड होगा, clearance of the site prior to commencement of, ये आएगा, professional survey fees for managing, तो ये तो हम लोग खुद ही professional survey
हमने किससे कौन हमने करा है एटीएल ओन स्टाफ वेजेस फॉर टाइम स्पेंड वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, अब प्रोपोर्शन ऑफ एटीएल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टाफ ये आएगा डी आंसर है, और मेरे ख्याल से प्रोफेशनल सर्वे देखना जरा सिर्फ एक दिया क्या एक लिखा है तो फिर वो डी होगा, बाकी डेफिनेटली प्रोफेशनल सर्वे स्टाफ जो है हमने किसी बाहर से करवाया है, हमारे वाले से नहीं कराया, किसी प्रोफेशनल से करवाया है, उसकी कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, नहीं आई बात समझे? हमारी कंपनी के बंदे से ही काम ले लिया हमने अपने ऑफिस के लिए, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उसको सैलरी तो दे ही रहे ना हम लोग यार। Which two of the following items should be capitalized within the initial carrying amount of an item of plant? Capitalize करना है ना? Transportation है, installation of new power supply है. To reflect the estimated residual value should be capitalized ना? Which two ना? तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, इंस्टॉलेशन की आएगी यार, ए और बी आंसर है भाई, पढ़ना जरा एन एंटिटी, ये हमने पहले भी शायद करा था, शायद रफ में आया था, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 46,000 दी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 900, 12 मंथ्स वारंटी नहीं आता, In addition, the entity incurred rupees in making modification to its factory. 3.4 को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया, 3 कॉमन 0 3400 आ गया, याद आया? 50300 आया था आंसर, और फिर हमने 3 कॉमन 0 लगाया, डी आंसर हो गया, जो हमने सवाल करा था ना वही है, यानी कॉस्ट ऑफ, जरा बता दो मुझे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी आया, डिलीवरी आ गई, और 3.4 मिलियन है, उसमें से आपने 3 कॉमन 0 हटाकर बाकी ले ले तो 50300,000 आ गया, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ देना जरा, फोर हंड्रेड मिलियन है, 400 मिलियन में 6 जीरो आते हैं, तो ये आपके जो आ गए, तो इसमें से 3 कॉमन 0 मैंने डिलीट कर दिए, तो ये आ गए 4 लाख आ गया, कितना आ गया 4 लाख, ये लिख दिए सही है। लीगल कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है वो लेना पड़ेगा बेटा, लीगल कॉस्ट का मतलब उसको नाम पे जो करवाई है जगह को, मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, एयर कंडीशन यूनिट, तो ये आपने 400 और 12,000 ये इनिशियल, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ इनिशियल एडेप्टेशन ऑफ द बिल्डिंग आ गया, तो 4 लाख जमा 12,000 जमा 2,500 414,500 आया, और फिर 3 कॉमन 0 आ गए, नहीं यही बात समझे भाई? बिल्डिंग की इनिशियल कॉस्ट क्या दी हुई थी, सबसे ऊपर लाइन में लिखा था 400, सबसे ऊपर लाइन में क्या लिखा था जरा बता दो, और फिर कॉस्ट ऑफ इनिशियल एडेप्टेशन ऑफ द बिल्डिंग 12,000, और लीगल कॉस्ट, मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, एयर कंडीशन नहीं आता, तो ये आ गया आपका आंसर, पढ़ना जरा 9th में अहमद, न्यू फैक्ट्री क्या बनाने जा रहे हैं भाई, जरा देख लो, दिमाग लगा लो, लैंड की कॉस्ट आई 1200, मटेरियल गया आई, लेबर आया, आर्किटेक्चर फीस आई, सर्वे फीस आई, साइट ओवरहेड्स आए, अपोर्शनड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आते, एक काम करना नॉट इंक्लूडेड में जाके ये भी लिख देना, अपोर्शनड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नॉट इंक्लूडेड के लिस्ट में, नॉट इंक्लूडेड की लिस्ट में जाके लिख देना, क्या लिखोगे, अपोर्शनड, अच्छा टेस्ट ऑफ फायर अलार्म देखा होगा, वो नहीं स्मोक वगैरह डिटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ बिजनेस रेट्स फॉर द फर्स्ट ईयर नहीं लिया जाएगा, हाँ बिजनेस रेट्स का मतलब होता है, रेट्स का मतलब टैक्सेस, लिख लेना रेट्स का मतलब, इसको भी नॉट इंक्लूडेड में जाके लिख दो,
इसको भी नॉट इंक्लूडेड की लिस्ट में जाके लिख दो। किसको भाई? फरमान, गलत गलत नहीं कर देना। बिजनेस रेट्स फॉर द और अपॉर्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जरा कैलकुलेटर चलाओ। क्या हुआ? 1200, 2400, 3025, 15, 300 और 10। श्योर? देख लो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वापस पढ़ देना सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक है, सही है। प्री प्रोड्यूसिंग टेस्टिंग और फिर परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस तो नहीं आता। इन एडिशन टू बी अबव इंफॉर्मेशन, एमएल, एमएल कौन है? मर्करी वाज ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ऑन एन इनिशियल ऑफ द एसेट एंड द सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ ऑन रिमेनिंग अमाउंट इफ पेमेंट ऑफ द मशीन वाज रिसीव विद इन एमएल एक्सपेक्टेड एंड पेड फॉर द प्लांट ऑन। तुमने बात लेने गए थे 1 मार्च को, आप वो मशीन लेने गए थे क्या? कब? और उस सप्लायर ने बोला अगर 30 दिन के अंदर पैसे दे दिए, 30 डेज में ना, कुछ ऐसे लिखा था ना, 1 मंथ में। तो 1 मंथ में कितने दिन होते हैं? 30। तो अगर उससे पहले पहले दे दिए तो मैं तुम्हें 5% और भी। तो मेरे एक सवाल का जवाब देना सारे बच्चे। 82,000 की कॉस्ट थी लिस्ट प्राइस, सबसे पहले 10% निकालना मेरे बच्चों। 8,200 ऐसे ही कम कर दिए उसने। हसनैन, आ रहा है समझ में? यस सर। कैलकुलेशन में गलती हुई तो अब इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है बेटा। कैलकुलेटर अगर तुम लोगों ने ऐसा खराब सा पढ़ाया तो कितना आया? जोर से बोलो। 73। 73, 73,800 के ऊपर अहमद, इनिशियल 73,800 पर मजीद 5% डिस्काउंट मिला 3,000। एग्री करते हो? माइनस तो करना जरा। 73,800 माइनस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखना क्या 70,110 आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है मैंने सामने, ये इस तरह से आया है। नहीं आई बात समझे? हाँ, फक 70। और इसके बाद तुमने इंपोर्ट ड्यूटी ले ली, डिलीवरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोड्यूसिंग, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट 4,900। इन सबको जरा जमा तो करना, कितना बना फरमान? इन सबको ऐड कर रहे हैं तो खुद करोगे तो ज्यादा बेहतर है। बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं। आ रहा है डेल्टा आंसर आ रहा है। ये आज के हमारे टॉपिक के अंदर डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट और ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो गया। सबके क्लियर है मेरा बेटा? जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ जाओ जरा। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेनिस लिमिटेड न्यू स्टोर बिगेन ऑन 1st of April 2000। द फॉलोइंग कॉस्ट वर, एक न्यू स्टोर बनाया है, क्या बोला? एक न्यू फ्री होल्ड लैंड कितने की है जरा बता दो। 4,000। आर्किटेक्चर फीस, साइट प्रिपरेशन, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लीगल फीस, जनरल ओवरहेड्स, इसको भी नॉट इंक्लूडेड में जाके लिख दो।
जनरल ओवरहेड को भी नॉट इंक्लूडेड में जाके लिख दो, जब रिवाइज करोगे तो इंशाल्लाह एक सेकंड में हो जाएगा, समझे? अब मेरा सवाल ये है कि इन सबको जरा ऐड तो करना मेरा बेटा, क्या आंसर बन रहा है? उसका आंसर लिखा हुआ नहीं, जरा चेक भी कर लो आया हमने सही करा है या गलत, सबको ऐड करके कैसे जरा बता दो क्या बन गया। कौन सा 940 लिखा है बेटा, तुम भी अल्फा आ रहा है जरा देखो पीछे चेक करना, सही है पक्का? अब ये क्वेश्चन नंबर 12 को भी जरा देख लीजिएगा फास्टली। On 1st of March 2010, Earth Limited EL purchased an upgraded package from क्या हुआ है? Purchase an upgrade package rupees 18 million for the machine it originally purchased in 2000। उनसे एक upgrade package लिया है, कितने का लिया है? आगे तो सुनो जरा बड़ी बेहतरीन बात। The upgrade took a total of where new components were added, EL आगे बढ़ो agreed to purchase the package as the new would lead to the reduction in the production time per unit of, ये जो नई अपग्रेडेशन हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिट जितने मिनट में पहले बनता था तो टाइम ड्यूरेशन 15% से कम हो गया। न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिया है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन ले ली है। दिस विल अनेबल ईएल टू इंक्रीज, कोई ऐसा खर्चा जो इंक्रीज द प्रोडक्शन कर दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। EL should expense additional expenditure, EL should capitalize this additional expense in the cost of existing plant. B is the right answer. 18 million in the cost of existing plant. Additional expenditure in the cost, here EL capitalize this additional expenditure. देखना जरा B और C में से क्या answer है। English के अंदर कौन सा ज्यादा बेहतर है? Which is appropriate accounting treatment? भाई capital expenditure तो capitalize, हाँ B है ना, additional expenditure in the cost of existing building, तो इसके अंदर क्या आएगा? In the cost of existing plant, the 15% of the 15% of rupees 18 million, बोला 18% का 15% लो, हालांकि पूरा 18 million जाएगा cost में, नहीं यही बात समझे? इधर घुमा दिया इसने। नेक्स्ट पढ़ देना, मशीन प्राइस वाज रुपीस 10 लाख, वाज कैरीड थ्रू अ ट्रक, द ट्रक फेयर वाज रुपीस, सही है, द इंजीनियर चार्ज, चलाना जरा 10 लाख का की मशीन थी ट्रक के लिए, सबको ऐड करना जरा भाई, 10 लाख, 10 लाख। Which of the following is not a component of cost of asset? अभी याद करवाया था cost of asset का कौन सा component नहीं है? Refundable sales tax नहीं आता, याद है? Not included. Which of the these cost is capitalized as cost of an asset? Professional fees. हमने लिखा हुआ भी है एड में। Which of the following is not capitalized as a direct attributable cost to the machine? Carriage invert for the fuel for the machinery. जो फ्यूल लाया गया ना, फ्यूल किसके अंदर, किसके लिए?
देखना जरा आंसर सही है ये सी, ये कैपिटलाइज नहीं होगा, साइट प्रिपरेशन होगा, इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट होगा, इंस्टॉलेशन असेंबली होगा। जो मशीन के अंदर ऑयल आया है ना, उस ऑयल के लिए क्या दिया है? कैरेज यार, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन दी है। नहीं यार, ये बात समझ में, वो इसमें नहीं आएगा। हाँ बस काफी है, चलो ठीक है, चलो काफी हो गया, ठीक है बेटा, डन, चलो ओके।